पिछले 3 साल से हम लगातार इस स्ट्रगल में थे कि जो हमारे लेफ्ट ओवर मेडिकल असिस्टेंट ओब्लिक फार्मासिस्ट हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जो रह गई थी जब अवार्शन 377 हुआ था। फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के सदस्य और जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष सुशील सूदन ने जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मंडाविया और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लगभग 30,000 लंबित मामलों के पंजीकरण के मुद्दे को हल करने पर अपना आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सुशील सूदन ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 के निरस्त होने के बाद से मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट के पंजीकरण के लगभग 30,000 मामले लंबित थे, जिसके लिए फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के अथक प्रयासों से अब सभी छूटे हुए फार्मासिस्ट 1 सितंबर 2019 से अपना पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं। प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर मोंटू कुमार एम पटेल जी, इन सब का, मनसुख मांडविया जी का, डॉक्टर प्रवीण भारती जी का, कि इन सब की कोशिशों के बावजूद और होम मिनिस्ट्री में जो हमारा जो केस गया था, इनकी लगातार इनकी कोशिशों के बावजूद हमारा जो केस है आज हम ये कह सकते हैं कि हम जीत के आए हैं। और 30,000 लोग जिन्होंने अपने बच्चों को अपनी ज़मीनें बेचकर ट्रेनिंग करवाई थी कि हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, अगर नौकरी ना मिली तो उनको दुकान का लाइसेंस मिल जाएगा, मगर वो उनका जो वो था, जिंदगी थी वो अंधकार में हो गई थी। इसलिए हमने लगातार कोशिश की, आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों जगह पर हमारे तकरीबन 25,000 से 30,000 जो बच्चे हैं और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं तकरीबन कोई 3,000, वो उनको हम रजिस्ट्रेशन जो अब कल परसों से उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। मैं तमाम मेडिकल असिस्टेंट ओब्लिक फार्मासिस्ट को कहूँगा कि जल्दी से जल्दी जो हमारा पोर्टल परसों से खुल रहा है उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन कराएँ, ताकि कल आप ये ना कहे कि गवर्नमेंट पोर्टल किसी वक्त भी बंद कर सकती है, अपना जो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि उनको बेनिफिट।